अस्सलाम व्यूअर्स, हम आपका वेलकम करते हैं अपने चैनल माय सिटी फूड सीक्रेट में। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमने बहुत ही क्रिस्पी कटलेट्स बनाए हैं। ये देखें कितने ही क्रिस्पी हैं, बहुत ही मज़े के भी हैं। चलिए आपको बताते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। आलू आधा किलो अच्छे तरीके से देखें बॉयल कर लेने हैं, बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं है और बहुत हार्ड भी नहीं है, हाथ लगाने से आराम से टूट रहे हैं। सूखा धनिया पिसा हुआ, लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्चें, गरम मसाला, नमक, हरा धनिया कटा हुआ, हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, दो अंडे फ्राई करने के लिए। चले हम चलते हैं इसका मिक्सचर बनाने की तरफ। जी ये देखें हमने आलूओं को अच्छे तरीके से पीस लिए, आप भी अच्छे तरीके से पीसते हैं ताकि इसमें कोई भी बड़ा पीस ना रह जाए। अब हम इसमें चीज़ें ऐड करेंगे, सूखा धनिया, नमक आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले लें, गरम मसाला, कुटी हुई मिर्चें, लाल मिर्चें। धनिया सब्ज मिर्च इसको अच्छी तरीके से हाथों की मदद से मिक्सचर बना लेंगे। ये देखें अच्छे तरीके से ये मैश हो गया। आप चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं लेकिन हाथों की मदद से ये बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाता है। आप चाहें तो इसमें नमक मिर्च अपनी मर्ज़ी से तेज़ भी रख सकते हैं और हल्की भी। अब इसे हाथों की मदद से गोल गोल मुनासिब साइज़ के कटलेट्स की शेप दे देंगे। इसी तरह बनाकर आपने ट्रे में एक साथ रख लेने हैं, बाद में हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखें मुनासिब साइज के गोल गोल कटलेट्स बना लेने हमने। जी देखें ये हमने शेप दे दी है इसको मुनासिब साइज की। अब हम इसे अंडा लगा के ऑयल में फ्राई करेंगे। ये देखें पैन में ऑयल डाल दिया और फ्लेम ऑन कर देंगे ताकि ऑयल जो है गर्म हो जाए, फिर इसमें कटलेट्स फ्राई करेंगे। अंडे को हमने दो अंडों को लेकर इसमें नमक डाल के फेंट लिया थे अच्छे तरीके से फेंट लेना। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम अंडे में डिप करके कटलेट्स को आहिस्ता आहिस्ता से पैन में फ्राई करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता से आपने रखना है ताकि ऑयल जो है हाथों को ना जला दें। ये देखें आपने इसको एक साइड से गोल्डन करना है कटलेट्स को, जब एक साइड से हो जाएंगे तो इसे पलट देना ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छे तरीके से गोल्डन हो जाए। जब ये गोल्डन हो जाएंगे तो फिर इन्हें निकाल लेंगे। जी ये देखें एक साइड से अच्छे तरीके से गोल्डन हो गया, इस साइड से जब ये मुकम्मल गोल्डन हो जाए दोनों साइड से तो फिर इसे हमने प्लेट में निकाल लेना। जी ये देखें दोनों साइडों से अच्छे तरीके से गोल्डन हो चुके हैं, अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। फ्लेम अपनी लो कर दें।
कितने प्यारे गोल्डन जो हमारे यहाँ कटलेट्स वो तैयार हुए हैं। खुशबू तो इतनी मज़े की आ रही है, बच्चे भी खुश हो जाएंगे पका के। जी ये देखें हमारे मज़ेदार से आलू वाले कटलेट्स के, बताएगी कि ये कैसे बने हैं। जी बच्चों कैसा बना? गुड मामा बहुत मजे का बना। गुड मामा बहुत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।